मुझे तो लगता है यार ये सारी की सारी स्कूटियां भाई अब मेरे को ना भाई लोगों में फ्री में बांटनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 हफ्ते से भाई ये सारी की सारी स्कूटियां भाई ऐसे की ऐसी मेरी छत पर पार्क हो रखी हैं। और भाई मैंने काफी कोशिश करी यार इनको बेचने की, लेकिन गाइज स्कूटियों को कोई खरीदता ही नहीं है। और गाइज स्कूटी चलाना भाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तो भाई मैं इनको चलाता नहीं हूँ। और मैं ही तक नहीं गाइज सिंचे तक नहीं चलाता भाई ने स्कूटियों को। और आप लोग सोच रहे हो गाइज इतनी सारी आखिरकार मेरे पास स्कूटी आई तो आई कहाँ से, तो मेरा गाइज पिछले साल भाई बर्थडे था, पिछले साल का गिफ्ट गाइज लैश ने भाई मेरे को अब दिया है। हाँ भाई 1 साल पहले मेरा बर्थडे था और गिफ्ट भाई उसने मुझे अब दिया, और गिफ्ट में देखो भाई उसने मुझे क्या ही दे दिया, इतनी सारी स्कूटी दी। मैंने बोला भाई मैं क्या ही करूंगा, तो लैश ने बोला तुझे जो करना है तो वो कर। मैंने सोचा मैं तो इनको बेचूंगा और काफी पैसा कमाऊंगा, लेकिन भाई ने कोई खरीदता ही नहीं है। अब सिंचन के बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, स्कूटियों को भाई बेच ही देते हैं, अरे बेच देते हैं, अरे पूरे 2 हफ्ते से फ्रेंगल भैया ट्राई कर रहे हैं भाई बेचने का, लेकिन कोई इनको खरीदता ही नहीं है। फ्रेंगल भैया मेरा मतलब सिंचन भाई इनको ना भाई लोगों में ना फ्री में बांट देते हैं। और कोई सिंचन भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन सिर्फ सिंचन यही बचता है कि लोगों में ना सिंचन इन स्कूटियों को फ्री में बांट देते हैं। कोई ना कोई तो सिंचन फ्री में इसको ले लेगा, कोई ना कोई नहीं फ्रेंगल भैया, फिर जब हम इनको फ्री में बांटेंगे ना देखना सब लोग आ जाएंगे स्कूटियों को खरीदने के लिए। ये तो सिंचन तो एकदम सही बोल रहे हैं। चलो गाइस एक काम करता हूँ, घर के बाहर चलते हैं और लेट्स सी देखते हैं भाई जो भी घर के बाहर से गुजरेगा सबको बोलूंगा कि आओ भाई फ्री में स्कूटियां ले जाओ। मैं क्या ही करूंगा गाइस इतनी स्कूटियों का। फ्रैंकलिन ने मुझसे बोला था कि मैं कभी गाड़ी खरीद ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आज मैंने फाइनली गाड़ी खरीद तो ली। लेकिन जैसे शोरूम के बाहर मैंने इसको निकाला, इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसका साइड का कांच टूट गया और आगे का कांच टूट गया। अरे इन मैडम से टक्कर हो गई, एक सेकंड वो मैडम नहीं वो तो कोई लड़का था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी मुझे चलानी नहीं आती इसलिए एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे। ब्रेक 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 लग गए सही टाइम पे, ये खड़ा फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन ये देख भाई मैंने गाड़ी खरीद ली। अबे ये कैसी गाड़ी खरीदी है भाई, इसका तो एक्सीडेंट हो रखा है, लगता है भाई सेकंड हैंड परचेस करके लेके आया तू। अबे सेकंड हैंड नहीं ब्रांड न्यू परचेस करिए, दरअसल अभी इसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है ना। बढ़िया यार तूने तो इसका मतलब गाड़ी परचेस कर ही ली। और हाँ अभी तो जा कर रहा है घर जा रहा है क्या? अब तो घर जाऊंगा सबको दिखाऊंगा गाड़ी जो खरीदी है। एक काम कर ऊपर जा स्कूटी है फ्री में ले जा। क्या फ्री में स्कूटी दे रहे अपनी? हाँ हाँ भाई ले जा सिर्फ और सिर्फ एक ही लेके जियो। अरे वाह ये अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, एक स्कूटी मिलेगी फ्री में। चलो चलो जल्दी चल के लेके जाता हूँ और जा करके अपनी वाइफ को दे दूंगा स्कूटी, ये ग्रीन वाली काफी परफेक्ट लग रही है। फ्रैंकलिन मेरी गाड़ी का ध्यान रखियो, मैं जाता हूँ घर पे और ये स्कूटी दे करके आता हूँ, उसके बाद आऊंगा पैदल पैदल अपनी गाड़ी को ले जाऊंगा। अभी यार मैं कैब को जस्ट बुलाने वाला था और ये देखो इतने में ये मेरा दोस्त आ गया और भाई अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़ करके चले गया। कैब वैब गाइस अब बुलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को मार्केट जाना था ना, तो अब मार्केट गाइस इसकी गाड़ी से चले जाता हूँ। स्कूटी तो चलाने में गाइस मेरे को काफी ज्यादा शर्म आती है क्योंकि जस्ट गाइस स्कूटियों को भाई लड़कियां चलाती हैं, मैं तो गाइस बिल्कुल नहीं चलाता और सिंचन भी नहीं चलाता भाई, इसलिए भाई मैं तो जहां भी जाता हूँ हमेशा गाड़ी में जाता हूँ। ये बात अलग है कि गाइस मेरे पास अभी गाड़ी है नहीं, इसलिए गाइस मैं कैब वगैरह मंगा लेता हूँ और हमेशा गाइस गाड़ी से जाता हूँ भाई जहां भी जाना होता है। लेकिन आज तो भाई मेरे को गाड़ी मिल गई जाने के लिए फ्री में स्कूटी दे करके। बहुत हो गया ऐसी जिंदगी जीते जीते, अब मुझसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं जिया जाता। अब तो मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करके एक साथ बहुत सारी स्कूटी खरीद ही लूंगा। वैसे भी मुझे तो खरीदनी नहीं पड़ेगी, मुझे तो सिर्फ फ्रैंकलिन का काम करना है, और एक बार सक्सेसफुल फ्रैंकलिन का काम कर दिया उसके बाद तो मुझे पता है फ्रैंकलिन सारी की सारी स्कूटी मुझे दे ही देगा। पूरे के पूरे 5 साल हो गए, 5 साल से मैं लोगों का घर बना रहा हूँ, बनाते बनाते मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन अब तक इतने पैसे नहीं कमा सका कि मैं अपने लिए एक गाड़ी और एक बाइक खरीद सकूँ। तो फ्रैंकलिन कहाँ है बच्चे? अरे बाबरे कहाँ से आ रहे हो अंकल, भाई साहब चोर वोर तो नहीं हो, सीधे रास्ते से आए करो ना। अरे तुझे पता नहीं है क्या, तेरे फ्रैंकलिन का बहुत खास दोस्त तुम्हें, फ्रैंकलिन ने बोला था जो आपके घर के आगे यहाँ पे एक काफी बढ़िया बंकर बनाना है और उसके अंदर काफी मस्त रूम बनाना है। अरे हाँ बोला तो था यार फ्रैंकलिन ने मेरे से, लेकिन तुमने उस टाइम मना कर दिया था। अरे लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मुझे तुम्हारा काम करना चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ तुम एक दिन का टाइम दो, एक दिन के अंदर अंदर मैं यहाँ पे काफी बड़ा बेसमेंट करूंगा, गड्ढा खोदूंगा, उसके बाद इस धरती के नीचे एक बहुत अच्छा लग्जरी रूम बना के तैयार करूंगा जो आपके घर के आगे, जिसके अंदर तुम जाओगे और मजे से रह सकोगे। अरे वाह वाह फिर तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, उसके बदले में लेकिन फ्रैंकलिन भाई तुमको क्या देंगे? उसके बदले में तेरा फ्रैंकलिन मुझे सारी की सारी स्कूटी देगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है बच्चे अब मुझे काम करने दो, अभी मुझे यहाँ पर वर्कर बुलाने है और यहाँ पर गड्ढा करना है, और गड्ढा करने के बाद अंदर एक लग्जरी रूम बनाना होगा, समझ रहे हो? बहुत मेहनत करनी है फ्रैंकलिन का है, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा भी लगेगा, बहुत सारा सामान मंगाना है। यार पता नहीं गाइस आजकल के लोग कैसे हैं भाई, आपको तो पता ही है मैंने अभी अभी गाइस अपने दोस्त को भाई फ्री में स्कूटी दी, उसके बावजूद भी गाइस बीच रास्ते में गाइस उसने भाई मेरे को देखा और अपनी गाड़ी मुझसे छीन ली। अच्छा खासा मैं तो मार्केट जा रहा था गाइस, लेकिन भाई उसने गाड़ी छीन ली, इसलिए गाइस अब पैदल
पैदल पैदल मैं घर आ गया हूँ, क्योंकि जब गाड़ी नहीं है तो गए सामान कैसे लाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा मार्केट से सामान लेकर के आना। चलो भाई घर पर तो मैं पहुंच गया हूँ यार, मैं काफी थक गया गए, काफी दूर से पैदल पैदल चल के आ रहा हूँ। चलो चलो भाई बस थोड़ी दूर और थोड़ी दूर और चलो। अरे बाबरे, अरे देख के नहीं चला सकते क्या? लगता है गाइस गाड़ी अपने लिए यार मेरे को खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि कब तक गाइस ऐसे यार पैदल पैदल मैं चलता रहूंगा। स्कूटी भी गाइस कोई खरीदता नहीं है, फ्री में ही सबको देने की मैंने डिसाइड भी कर लिया है। ओए सिंचन के बच्चे, मैं क्या कह रहा हूँ, तेरी गुल्लक में है कितने पैसे ये देखो, देखो फ्रैंकलिन भाई फाइनली आ गए। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन, तूने बोला था ना तेरे को एक सीक्रेट रूम बनाना है, मैं भाई सीक्रेट रूम बनाने के लिए आया हूँ, बदले में मुझे सिर्फ तेरी सारी की सारी स्कूटी चाहिए। अब भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, भाई साहब को ले वैसे भी स्कूटी, भाई साहब कोई ले नहीं रहा, दे दे इसको। अरे हाँ ये तो काफी अच्छी बात है, तो कर भाई काम शुरू कर। काम तो मैं शुरू कर दूं, थोड़ा बहुत सामान है जो लेकर के आना है। हाँ हाँ तो मेरे को बता क्या सामान चाहिए, लेकिन याद रखे भाई जो सीक्रेट रूम तू यहाँ पर चौप के घर के आगे बनाएगा ना, वो भाई काफी ज्यादा लग्जरी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत लग्जरी होगा, और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर एक सीक्रेट रूम है। भाई साहब फिर तो मजा ही आ जाएगा। मैंने गाइस बचपन में सोचा था मेरे पास भाई जो भी घर होगा ना उसमें भाई मैं एक सीक्रेट रूम तो बनवाऊंगा ही भाई, जिसके बारे में भाई किसी को भी ना पता हो। फाइनली गाइस वो सपना भाई मेरा आज पूरा होने ही जा रहा है, मैं तो गाइस काफी एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी गाइस चेक करते हैं आखिरकार भाई सीक्रेट रूम बनाने के लिए आखिरकार हमको क्या क्या सामान चाहिए, सब कुछ लेकर के आ जाऊंगा। बता भाई आखिरकार क्या क्या लेकर के आना होगा। ठीक है भाई, तूने जो कुछ भी सामान मेरे को बताया वो सारा का सारा भाई मैंने फोन में टाइप कर लिया है। और ये देखो गाइस यहाँ पर भाई काम भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर गाइस इस बंदे ने गड्ढा करना चालू कर दिया है। और फ्रैंकलिन बहुत सारी लेबर तो अभी आ रही है भाई, सारी लेबर जैसी आएगी सबको काम पे लगा दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है जाकर के गाइस थोड़ा बहुत सामान मैं लेकर के आ जाता हूँ, बाकी सामान तो गाइस मेरे को ऑर्डर पे देना होगा। और फिर उसके बाद भाई वो काफी बड़े ट्रक में भाई सब कुछ लेकर के आ जाएंगे। चल सिंचन निकलते हैं, चले चले फ्रैंकलिन भैया, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार जाने के लिए। सिंचन तू सिर्फ जाने के लिए एक्साइटेड है, मैं तो सिंचन भाई काफी एक्साइटेड हूँ अपने सीक्रेट रूम को देखने के लिए। और गाइस आज देखो भाई अपन दोनों ही भाई स्कूटी पे बैठ के मस्त करके जा रहे हैं। आज से पहले गाइस हमने ना तो कभी स्कूटी चलाई और ना ही भाई कभी इस पे बैठे। हाँ गाइस हमको बहुत शर्म आती है, लेकिन गाइस आज हम इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई साहब बढ़िया करके स्कूटी पे जा रहे हैं। मेरे को यार बैठना भी पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं इस पे बैठा भी हूँ और फ्रैंकलिन भी चला भी रहे हैं, लेकिन यार सिंचन काफी कम स्पीड है ना। अरे यार क्या कर सकते हैं गाइस, गाड़ी तो लूंगा लेकिन अब तो गाइस गाड़ी लेने के लिए पैसे भी नहीं है, क्योंकि जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे तो भाई सीक्रेट रूम में लग जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, कुछ ना कुछ तो ऐसा हम ट्राई करेंगे जिससे गाइस हम काफी ज्यादा अमीर भी हो ही जाएंगे। और हाँ गाइस आप लोग यार जब तक यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करता जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यार सिंचन लॉस एंटोस के अंदर आजकल भाई कितना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, अच्छी बात यह है अपने पास स्कूटी है गाइस कहीं से भी निकल जाती है। अरे वाह तो पहली बार तुमने स्कूटी की तारीफ कर दी, अरे देख के चला ले भाई गाड़ी को। ये चेक करो गाइस काफी फेमस शॉप पर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर गाइस हर एक वो चीज मिल जाएगी जिस चीज को गाइस हम परचेज करने चाहते हैं। हर सर एक्सक्यूज मी भाई, मेरे को भाई काफी सारा सामान चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, हर एक सामान मिलेगा जो सामान तुमको चाहिए। हाँ भाई मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। और गाइस मैं सोच रहा हूँ भाई मैं ना वॉल लेकर के चले जाता हूँ, क्योंकि गाइस उसने मेरे से ना भाई वॉल के पूरे 20 पीसेस मंगाए। जैसे गाइस आप ये ऑरेंज कलर का एक पीस देख रहे हो सेम टू सेम, ऐसे मेरे को 20 पीस लेकर के जाने। तो कलर कौन सा सही रहेगा भाई, ये तो बिल्कुल पिंक तो बिल्कुल मेरे को सही नहीं लगेगा, रेड और ब्लू। सर सिर्फ और सिर्फ ये पीसेस है क्या यार वॉल के? अरे अरे तुम ये बताओ कौन सा कलर चाहिए, बाकी तो हम सब अरेंज कर देंगे। सिंचन बताना कौन सा काफी सही लगेगी वॉल। अरे मेरे ख्याल से तो व्हाइट वॉल सही लगेगी फ्रैंकलिन भैया, व्हाइट। एक काम करो सर अपना इस पीस में यार व्हाइट वॉल निकाल दो, समझ रहे हो, वो भी 20 पीसेस। ठीक है काम हो जाएगा। और वेट वेट भाई सिर्फ मैं वॉल परचेज करने नहीं आया, काफी सारी लंबी लिस्ट लेकर के आया हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो सारा का सारा सामान भाई चाहिए मुझे। आखिरकार कौन हेल्प करेगा ये भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर ये गाड़ी टाइम पर मैंने नहीं पहुंचाई तो बहुत गलत सीन हो सकता है मेरे साथ। अरे ये तो फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन मेरी हेल्प करेगा, इसने कभी मेरे काम के लिए मना नहीं करा और आज भी ये मुझे पता है मना नहीं करेगा। अरे सीट इस गाड़ी पर थोड़े से स्क्रैच आ गए, फ्रैंकलिन गाड़ी को भी ठीक करा देगा। फ्रैंकलिन ओ वेट कर्नल साहब आप, अरे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया, हाल चाल पूछने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे दोस्त फ्रैंकलिन ये गाड़ी तुझे एक घर की लोकेशन पे पहुंचा के आनी है, प्लीज तू वहां पर जा इस गाड़ी को लेके और वहां पर पहुंचा कर आ जा। लेकिन सर यहां तो मैं काफी अर्जेंट भाई शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। तू टेंशन मत ले, मुझे बता आखिरकार क्या क्या खरीदना है, सारा सामान खरीदूंगा, पेमेंट भी कर दूंगा और सारा सामान तेरे घर तक भी पहुंचवा दूंगा। अरे नहीं नहीं सर आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो यार, आप तो काफी बड़े ऑफिसर हो। अरे उसकी तुम टेंशन मत लो, तुम मेरा काम करोगे या नहीं करोगे, हाँ या ना करो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं आपके काम के लिए क्यों मना करूंगा। तो गाइस अभी अपने कर्नल बॉस ने गाइस अपने को भाई लोकेशन सेंड कर दिया जहां पर गाइस हमको ये गाड़ी ड्रॉप करके आनी है। लेट्स गो सिंचन फटाफट से निकलते हैं। अरे वाह फ्रैंकलिन भाई तो बहुत अच्छे हैं यार, इन्होंने तो फ्रैंकलिन
फ्रेंगल पे पूरी की पूरी पेमेंट भी कर दी और साथ ही साथ में ये तो फ्रेंगल पे बोल रहे हैं कि सारा सामान भाई से घर तक भी पहुंचवा देंगे। हाँ हाँ सिंचन भाई, ये कर्नल बॉस भाई काफी ओपी है और सिंचन इनसे दोस्ती ना मेरी स्कूल टाइम से है यार, स्कूल टाइम से मैं इनको जानता हूँ, ये भी मुझको जानते हैं। चलो गाइस अपना काम भी हो गया और साथ ही साथ में भाई अपने को सुपर कार चलाने को मिल रही है, लेट्स गो गाइस, चलते हैं भाई और ड्रॉप करके आते हैं गाइस अपनी इस गाड़ी को भाई लोकेशन पे। वैसे मेरे समझ नहीं आ रहा गाइस आखिरकार कौन बंदा है भाई जिनको गाइस ये गाड़ी दे करके आनी है, ये तो गाड़ी इनकी है ही। हाँ सिंचन ये गाड़ी भाई मैंने इनके घर में देख रखी है, अरे लेकिन इनकी गाड़ी है तो भाई कोई और की मांग रहे, पता नहीं सिंचन क्या ही सिस्टम है, उन्होंने तो सिंचन कुछ बताया नहीं। और वैसे भी सिंचन भाई वो ना काफी ज्यादा हड़बड़ी में लग रहे थे इसलिए सिंचन मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं, पूछने की तो बहुत दूर की बात है, सिंचन वो तो हाल चाल पूछने को भी मना कर रहे थे, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और यहाँ से गाइस अभी हमको काफी ज्यादा दूर जाना है, हमको करीबन गाइस 2 घंटे तो लगने वाले हैं, मतलब 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में प्रॉपर गाइस 4 घंटे लगेंगे। लेट्स गो सिंचन, फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे। अरे फिर गाड़ी रोको ना फ्रेंगल पे पहुंच गई तो, अरे मेरा मतलब सिंचन पहुंचने वाले हैं लोकेशन, सिंचन भाई यही कहीं की है और फिनिश भी भाई हो गई, भाई यहीं पे खत्म हो गई, मतलब यहाँ कहीं पे देनी है गाड़ी, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा गाइस यहाँ पर, ये 1-2 लोग हैं इनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन क्या पूछूं भाई उन्होंने तो मेरे को कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन सेंड करी है। हेलो सर एक्सक्यूज मी भाई, इससे पूछना पड़ेगा, हेलो सर आपको गाड़ी वाड़ी चाहिए थी क्या? अरे हाँ हाँ मुझे गाड़ी चाहिए थी, कन्नन ने भेजा है ना तुम्हें? ओ मिल गया भाई, बंदा मिल गया। हाँ भाई तुम्हें गाड़ी देनी है? हाँ मुझे तो गाड़ी देनी है, काम करो, गाड़ी चलानी मुझे आती नहीं है, अंदर दुकान देख रहे हो, इस दुकान के अंदर एकदम सेफ गाड़ी खड़ी कर दो, बिल्कुल स्क्रैच नहीं आनी चाहिए, अगर स्क्रैच आए ना तो तुमसे पैसे ले लूंगा। अरे कर रहा हूँ भाई कर रहा हूँ। चलो गाइस गाड़ी को भाई फटाफट से लगा देते हैं दुकान के अंदर। सिंचन भाई जल्दी बैठ, बारिश हो रही है। अरे हाँ यार मैं तो पूरे का पूरा गीला हो गया। तो ठीक है भाई लो तुम्हारी लग गई भाई गाड़ी। अरे बैक करके लगाओ, ऐसे गाड़ी मत लगाओ, मैं चला नहीं पाऊंगा। ठीक है भाई लगा रहा हूँ यार, अब गाइस इसकी गाड़ी को भाई बैक करके लगाओ। ठीक है ओके, स्क्रैच नहीं आनी चाहिए भाई बिल्कुल भी, एकदम आराम से लेकर के जाएंगे, बहुत बढ़िया लेकर के जाओ सही जा रहे हो सही जा रहे हो। अरे चुपचाप से खड़ा रहा है भाई। ओके ये चेक करो गाइस, फाइनली भाई सेफ एकदम गाड़ी भाई मैंने अंदर खड़ी कर दी है। चलो चलो अब निकलो, बहुत हो गया। अरे कैसे बात कर रहा है भाई, थोड़ी इज्जत से बात कर। अरे ठीक है सर अब आप यहाँ से जा सकते हो, गाड़ी यहाँ पार्क होगी, जा सकते हैं मतलब सिंचन अब हमको पैदल जाना पड़ेगा क्या? अरे फ्रेंगल भाई यार हम घर से बहुत ज्यादा दूर है, हमको पैदल जाना पड़ेगा। अरे यार ये कौन है गाइस, इसको छोड़ूंगा नहीं भाई, क्योंकि सुबह भी भाई किसी ने मेरे को ठोका था और इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ठोकने की? अरे बीच में आओगे तो ठोको गई ना। अरे बहुत बढ़िया, तो भाग रहा है सिंचन। अरे तो एक काम करते हैं इसकी गाड़ी लेके निकल लेते हैं। अरे सिंचन इसकी गाड़ी में मैं बैठने वाला था और इसने गाइस सुन लिया, ये अपनी गाड़ी को लेके भाग गया। तो क्या करें गाइस, एक काम करते हैं फटाफट से कैब को ऑर्डर करते हैं और गाइस उसमें बैठ करके जाते हैं। सर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है क्या जिसमें हम बैठ कर जा सकते हैं? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, दरअसल मैं तो अपने बॉस का नौकर हूं तो मैं तो अपने बॉस के कहने पर चलता हूं, तुम्हारे पास कोई गाड़ी हो तो मेरे को दे दो। अबे मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है भाई, लगता है सिंचन भाई हमको टैक्सी बुलानी पड़ेगी, क्योंकि सिंचन यहां पर ना तो कोई हमको लिफ्ट देगा और अगर सिंचन हम यहां पर भाई वेट करते रहे ना लिफ्ट वगैरह का तो पक्का सिंचन हम काफी लेट हो जाएंगे। लगता है सिंचन ये जो सामने टैक्सी आ रही है यही अपनी टैक्सी है। हाँ ये भाई रुक गया, जल्दी आ सिंचन वरना ये छोड़ के चले जाएगा। हेलो सर आपका नाम फ्रैंकलिन है? अरे हाँ मेरा ही नाम फ्रैंकलिन है, जल्दी बैठ सिंचन। अरे बैठ रहा फ्रैंकलिन पे, मेरे को छोड़कर मत चले जाना। बताइए सर क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा वेवा कुछ नहीं करनी भाई, मेरी लोकेशन भी लेकर चल फटाफट से। जी सर लेके चलते हैं, और हाँ नाम बताते पहुंच जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे भाई साहब स्पीड में भगाओ स्पीड में, क्योंकि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारे घर पे ना सीक्रेट रूम बनना है। अरे नहीं सिंचन उस सीक्रेट रूम के बारे में भाई हमको किसी को नहीं बताना। ओ भाई क्या कर रहा है तू, इतनी स्लो क्यों चला रहा है टैक्सी को? अरे सर स्लो चलानी पड़ेगी, तेज चलाऊंगा तो चलान हो जाएगा। मतलब भाई हमेशा तू इतनी स्लो ही चलाता है कि इस टैक्सी को? बिल्कुल सर क्या करें, हमारा काम ये है और अगर हमारे काम पे चलान आता है तो बहुत बुरा लगता है। ओ सीट गाइस मेरे ख्याल से तो रेड लाइट को भी फॉलो करेगा, चलो अच्छी बात है रेड लाइट इसने तोड़ दी। नहीं 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 रेड लाइट तो मैं कभी तोड़ ही नहीं सकता, अगर रेड लाइट मैंने तोड़ी सिग्नल तोड़ते ही मेरे नंबर पे काफी मोटा चलान आएगा, इसलिए मैं कभी ना तो ओवरटेक करता और ना ही गाड़ी स्पीड में चलाता और ट्रैफिक का तो पालन करता ही करता हूँ। अरे लगता है गाइस ये भाई 2 घंटे की जगह मेरे को 10 घंटे में घर पहुंचाएगा। एक काम करो सर आप पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ टैक्सी को। नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी कभी किसी को दे नहीं सकता। अरे यार सीट गैस ये तो काफी स्लो चला रहा है सिंचन, मैं तो गैस बोर हो जाऊंगा यार, हमारा घर बहुत ज्यादा दूर है। अरे ओवरटेक कर भाई इस ट्रक को, ओवरटेक कर वरना भाई इतनी स्लो चलाएगा के टैक्सी को। तो फाइनली गैस पूरे के पूरे भाई 8 घंटे बीत चुके हैं और ये गैस हमारे घर पर भी हमको छोड़ कर नहीं गए, हमारी गली के पीछे वाली गली पर गैस हमको छोड़ करके चले गए। अब हमको पैदल जाना पड़ेगा। और गैस मैंने आपको गलत बोला हूँ, 8 घंटे गैस अभी नहीं बीते, अभी सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे बीते हैं। चलो गैस अब घर पर चलते हैं। यार सिंचन मुझे तो पता था यार ये ना काफी ज्यादा टाइम लगाने वाला है। शाम हो गई गैस, शाम हो, और उस बंदे ने पता नहीं गैस अपना सीक्रेट रूम बनाकर तैयार करा होगा या फिर नहीं, वो सबको तो गैस हमको घर पर जाकर ही पता लगेगा। चलो भाई घर पर चलते हैं, मुझे तो लगता है गैस उसने ना सीक्रेट रूम बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि गैस उसको भाई बनाने के लिए काफी सारा सामान वामान चाहिए, तो हम तो गैस घर पर थे नहीं, तो पक्का गैस बन नहीं पाया होगा भाई। चलो यार भागते भागते पहुंच गया हूं मैं अपने घर पे। हेलो मेरे दोस्त और चौप भाई, किधर हो तुम? अब बात सब लगता है बात सब बोले तू आ गया। ओ ये चेक करो यहाँ पर ट्रैक्टर, भाई सब ट्रैक्टर से क्या काम करा गया है, और जेसीबी गैस मेरे को दिख रहा है लगता है जोरो तोरो से काम करा गया है भाई मेरे घर पे। अब बात सब ये देख बात सब, जो सीक्रेट रूम बात सब बोले तू बनवाने वाला था वो फाइनली बात सब बन के रेडी हो गया है, सीक्रेट रूम बन गया। लेकिन चौप जाना कहाँ से है? ये जो बात सब तू देख रहा है यहीं से बात सब अंदर जाना होगा। अच्छा इसमें से अंदर जाना है कि हमको गैस हमको इसके अंदर चढ़ना है और अंदर जाना है और हम पहुंच जाएंगे अपने सीक्रेट रूम के अंदर। वाव यार चलो चलो गैस मैं तो काफी एक्साइटेड जाने के लिए। लेट्स सी चेक करते हैं आखिरकार अपना सीक्रेट रूम भाई बन के किस तरीके से रेडी हुआ है, और ये जेसीबी आखिरकार मेरे घर में लाया तो लाया कहां से। ओ मैं समझ गया गैस इस जगह से वो लेकर के आया होगा पक्का। चलो गैस ये सब तो भाई बाद में मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, अभी चलते हैं फटाफट से अंदर और चल के देखते हैं गैस आखिरकार अपना सीक्रेट रूम अंदर से है कैसा। और ये चेक करो गैस फाइनली भाई मैं नीचे आ गया हूँ। भाई साहब ये मेरा सीक्रेट रूम है क्या? और गैस मेरे को तो सच में लग भी नहीं रहा कि भाई मैं जस्ट अपने घर के नीचे हूँ। बाहर गैस काफी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बढ़िया बढ़िया लाइटें लगवाई है भाई उसने। यहाँ पर से तो गैस पता नहीं लग रहा, बाहर बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, जो कुछ भी गैस बाहर हो रहा है कोई मेरे को पता ही नहीं लग गया। और ये तो काफी ओपी सीक्रेट रूम बना दिया भाई उसने, मजा ही आ गया गैस, मजा ही आ गया। चलो चेक करते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें है। यहाँ पर गैस उसने बेड लगाया है और जस्ट बेड के आगे गैस उसने टीवी लगाया है, और यहाँ पर गैस अपना साउंड बार भी है। चलो गैस और चेक करते हैं यहाँ पर सोफा है और एक और बेड। भाई साहब दो दो बेड के काम है इस रूम के अंदर। गैस डेकोरेशन तो मैं कर दूंगा, इस रूम की कोई टेंशन की बात नहीं है, बाकी तो इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे को लग नहीं रही रूम में। साफ सफाई भी एकदम बढ़िया करके कर दिया उसने। और सच में ये अपने घर के नीचे सीक्रेट रूम है, मेरे को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। मेरे को क्या गैस किसी को भी बिलीव नहीं होगा भाई, मैं तो गैस अब हमेशा यहीं पर रहने वाला हूँ, यहीं पर सोऊंगा, और बाकी गैस अपना सारा का सारा सामान भी भाई मैं तो यहीं पर रखने वाला हूँ। और अभी तो भाई सिंचन ने देखा ही नहीं है इस रूम को, अभी तो सिंचन को भी देखना है भाई, सिंचन भी आएगा सिंचन भी देखेगा। चलो एक काम करता हूँ मस्त करके लेट जाता हूँ और टीवी देखता हूँ भाई मजे से। यहाँ पर तो गैस टीवी देखने में अपना एक अलग ही मजा आएगा। वैसे देखा जाए तो गैस ये अपना सीक्रेट रूम ज्यादा बड़ा है नहीं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वहां तक ही है, लेकिन ठीक है गैस अगर वो बड़ा बनाता ना तो काफी टाइम लग जाता। उसने गैस करीबन भाई ये रूम 7-8 घंटे में बना करके रेडी कर दिया है, काफी सही बना दिया गैस 7-8 घंटे में, मजा ही आ गया। मैं तो गैस अब एक्साइटेड हूँ भाई सिंचन का रिएक्शन देखने के लिए, और मुझे पता है भाई सिंचन भी गैस अब यहीं पर रहने की कोशिश करेगा मेरे साथ। चलो अच्छी बात है गैस अब सिंचन चौप में भाई अब डेली रात को यहीं पर सोई करेंगे इस रूम के अंदर। और हाँ गैस अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गैस, फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई, तो यार जल्दी से गैस अभी के भी यार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, जैसे गैस सुबह हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं गैस आपको नेक्स्ट वीडियो में, गैस प्यार वाला बाय।